देखिए, शो विज़न में जो जुड़े हैं मेरे मित्र संगीतकार विष्णु नारायण जी, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मेरी फिल्मों को काफ़ी म्यूज़िक दे चुके हैं हम लोग। वीनस में काफ़ी बड़े बड़े एल्बम्स हम लोगों ने किए, मैंने डायरेक्ट किए, उन्होंने म्यूज़िक दिया है। तो वो एक संगीत के मास्टर हैं और उनके साथ जो अरुण जी का एसोसिएट हुआ है, तो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टेप स्टेज परफॉर्मर्स के लिए, इस प्लेटफॉर्म का रास्ता सीधा बॉलीवुड से ही जुड़ता है और हम बॉलीवुड में ही कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म और हमारा प्लेटफॉर्म सब है तो एक ही इनडायरेक्टली। बॉलीवुड वाले भी स्टेज पर जाते हैं, स्टेज वाले मतलब एक दूसरे के वो है रेल की पटरी। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से जो भी टैलेंट प्रोवाइड करेंगे विष्णु जी और उनकी टीम, और मैं उनको अपने यहाँ सिंगिंग के लिए या परफॉर्म के लिए अगर मैं सिलेक्ट कर सका तो 100% करूँगा। देखिए, 18 अक्टूबर को मेरी फिल्म आ रही है, टाइम नहीं है ऑल ओवर इंडिया फिल्म का, जैसे कि ट्रेलर बहुत पसंद किया जा रहा है और मुझे खुशी है कि एक पारिवारिक, एक साफ़ सुथरी, एक मैसेज कंटेंट बेस्ड फिल्म है। जो मैंने इससे पहले जो मेरी फिल्में आई हैं, थोड़ा उससे मैं अलग हटने की, थोड़ा सेंसेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, और मुझे उम्मीद है इस फिल्म को सराहा जाएगा क्रिटिक्स द्वारा भी और आप लोगों के द्वारा भी, और दर्शक इसको पसंद करेंगे। इसमें रजनीश दुग्गल, कृष्णा अभिषेक, युविका चौधरी और राजपाल, बहुत अच्छे, शक्ति कपूर साहब, गोविंद नामदेव साहब, एक परफॉर्मेंस, एक अच्छी पारिवारिक फिल्म है। 18 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है और दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि लोग दिल से देखें इस फिल्म को, कोई परिवार की फिल्म है। देखिए, मैं कहूँगा विष्णु जी मेरे सबसे लाडले चहीते म्यूजिक डायरेक्टरों में से हैं, और आप ये कहेंगे कि एक संगीतकार दूसरे संगीतकार की तारीफ करता है, तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये कल के हमारे भविष्य हैं। जिस तरीके से हम लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी सबके सामने आए, दिलीप सेन, समीर सेन और आनंद मिलिंद, जतिन ललित, नदीम सरवण जी, वैसे ही आज ये हम लोगों के मतलब कल के सुपरस्टार हैं हमारे। और जो आज इन्होंने जो सबसे बड़ा काम यही किया कि जितने भी कलाकार हो, जो आज तक हम लोग नहीं कर पाए, कि जितने भी कलाकार हैं जो इनके ओरिजिनल राइट्स, मतलब जैसे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या गाना गाते हैं या गाना लिखते हैं या जो भी रिलेटेड हैं मतलब क्रिएटिव से, और उनको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हर बोलता है जाओ अपनी एसोसिएशन में बात करो। अब हर एक की अलग अलग एसोसिएशन है, मेरी पहली अपने आप में एक ऐसी एसोसिएशन है कि सारों को एक साथ अपने साथ ज्वाइंट करके सबकी परेशानियों को अपने ऊपर लेके एक आवाज़ में इन सारी जगहों पे ये आवाज़ फैलेगी, और इसमें मैं भी इनके साथ हूँ। और विष्णु जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और ख़ास करके ये जितने मेरे प्यारे प्यारे चैनल वाले आए हैं भाई लोग, बस मैं इनसे यही कहूँगा कि आप लोग हमारे फिल्मों के तो गाने दिखाते ही हो, फिल्मों के बाकी चीज़ें भी आप इवेंट वगैरह भी दिखाते हो, मगर इस चीज़ों को भी ज़रा लाइमलाइट में लाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोग भी आते हो, क्योंकि मीडिया भी जो है, मीडिया के साथ भी ये होता है, क्योंकि मीडिया को हर जगह जहाँ बड़े स्टार चले गए तो हर मीडिया वहाँ नहीं पहुँच सकता। हमारे पास से मतलब ये विष्णु जी ये करें कि आप पास आने के बाद में, इसमें इनके यहाँ आने के बाद आपको जब इसके मेंबर बन जाओगे तो आप लोगों को एक बेनिफिट ये होगा कि ये कार्ड लेके आप, मेंबरशिप कार्ड, आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे बड़े से बड़े, छोटे से छोटी जगह, और कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। सोच है, शुरुआत है, सो विजन के नाम से हमारे से अरुण जी हैं, विष्णु जी हैं, इन लोगों ने ये जब हमें भाई बताया, मालूम पड़ा मुझे कि भाई हम सो विजन के नाम से एक अच्छे संस्था खोल रहे हैं जिसमें सिंगर्स हैं, एंकर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, और आज जो इन्होंने ये संस्था बनाई और सोचा इस बारे में, ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि भाई आज हमें ऐसी भी सोच वाले लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने जो है सिंगर, म्यूजिशियन, एंकर के बारे में सोचा। नहीं तो आप भाई हर बंदा अपनी रॉयल्टी के बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, पर इन्होंने दूसरों के लिए सोचा, अच्छे काम को शुरुआत दिया, और बस ये सोविजन आगे बढ़े, हम इसके साथ में हैं और हम लोग अच्छे काम करें, अच्छे लोगों को लेके इस प्लेटफॉर्म पर जाएँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जो स्टेज परफॉर्मेंस है, जो यू नो डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सिंगर्स है, यू नो म्यूजिशियंस है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और एक एसोसिएशन मुझे लगता है फर्स्ट टाइम बना है, यू नो, सो तो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि स्टेज पे मैंने बहुत परफॉर्म किए, मेरे इतने सारे गाने जो थे, और अब तो डायरेक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं परफॉर्म करूँगी, इज एक्टर, वंस एन एक्टर ऑलवेज एक्टर। तो शो विजन के बारे में सुनील जी और विष्णु जी आपको ज़्यादा बेटर बता देंगे। मैम से हमारा जो रिलेशन है वो तकरीबन मुझे लगता है 10 साल से ऊपर का है। हाँ। और इनकी जो मूवी थी हॉलीवुड मूवी माय बॉलीवुड ब्राइड, उसमें मुझे मौका दिया था मैम ने, और बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ था उस फिल्म में, तो आज बाल ऐसे ही थे। थैंक यू। तो बस हमने मैम को इन्वाइट किया और आगे, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है हमारे लिए। शो विजन स्टेज परफॉर्मर एसोसिएशन, एक्चुअली जो मंच के कलाकार हैं, स्टेज के जो कलाकार हैं, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियंस हो, डांसर हो, या वो मिमिक्री आर्टिस्ट हो, या वो कॉमेडियन हो, या रैम मॉडल्स हो,
या मैजिशियंस हो, जो भी मंच पे स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं उनकी अपनी एसोसिएशन है, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं भी शो करने जाते हैं, उनको कोई भी दिक्कत होती है, हम एसोसिएशन उनके साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले मैं उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो आर्टिस्टों को अच्छा प्लेटफॉर्म देते, ऑर्गेनाइज़र को भी हेल्प करते, दोनों के बीच में जो मीडिएटर बन के काम करते, बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है आर्टिस्टों के बारे में, ऑर्गेनाइज़र के बारे में। तो मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की है, और मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर सो विज़न।